की जनाधारा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं पांडोखर सरकार का बड़ा चमत्कार। पांडोखर सरकार ने किया शैतानी शक्ति का खात्मा। आज तक आपने शैतानी शक्तियों एवं आत्माओं भूत पिशाच के बारे में केवल सुना होगा, लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं श्री पांडोखर धाम में स्थित पुष्पवती गंगा नदी के तट पर, जहां शैतानी शक्ति के होने का एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है जिसे देखकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। दरअसल वीडियो में आप जिस लड़की को देख रहे हैं, यह लड़की जैसे ही कपड़े को नदी के जल में प्रवाहित करती है, उसमें से एक सफेद धुआं सा निकलता है, और जैसे ही यह धुआं खत्म होता है, वह लड़की जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, और ऐसा लगता है कि मानो उस धुएं के रूप में कोई शैतानी शक्ति वहां निकली हो और उस लड़की के शरीर में जाकर समाहित हो गई है, और वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसके बाद आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हुआ। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं आगरा से हूँ जी। सन 1999 से हमारे घर में विचित्र प्रकार घटनाएं होने लगी। मेरे पिताजी को डायग्नोज हुई डायबिटीज, तो 4 महीने में उनका देहांत हो गया। हमने सोचा कि डायबिटीज पहले देहांत हो गया, फिर धीरे धीरे हमारे सर की समस्याएं बढ़ने लगी, कामकाज ना मिलना, पढ़ाई ना होना, बहनों को विवाह ना होना, इस तरह समस्या। हमने सोचा ही संसार एक मऊ आया है, दिक्कतें हैं सामने, संसार में आए तो उतर लेकिन ये विकट किस्म की होने लगी। उस समय बहुत पश्चात हुआ, मुझे शरीर में कंपन फील होने लगा, ऐसा लगता है कि जैसे नहाने के बाद कंपन फील होता है, कुछ आया था। लेकिन वो जब भयंकर गर्मी भी फील होने लगा, महसूस होने लगा मुझे, तब आंखों लगी थी नॉर्मल नहीं। शायद तावा से कानपुर देहात के बीच में कोई ऐसा भगत तांत्रिक ओझा कोई नहीं बचा होगा, इस पर हम गए नहीं हो, ना हमने नाक लगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जहाँ कोई ऐसा, जहां तक मेरी क्षमता थी, जहां तक मेरे भाई की क्षमता थी, हम लोग हर मंदिर जाकर वहां टेकते थे कि सारे भारत कुछ उद्धार हुआ है। लेकिन हमारे साथ हमें मानता इतनी बड़ी गलत शक्ति जुड़ी हुई थी जो कम से कम वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग नहीं माने इस चीज को, हम खुद नहीं मानते, हम किसी अन्य कंपनी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कम पड़ा हर से गया और ज्यादा पड़ा घर से गया, वो स्थिति थी हमारी। उसके बाद में हमारी बहन ने अभी दिसंबर में यूट्यूब पर पांडोखर सरकार पर वीडियो देख ली थी, तो उन्होंने बताया महाराज के बाद ऐसे महाराज हैं कि वो देखते ही लिख देते हैं कि आपका भूत भविष्य वर्तमान क्या है। तो मैंने सोचा ऐसे बहुत से हैं आजकल बाबाओं के, बहुत सी चीजें हो रही हैं धर्मगुरुओं की इस प्रकार, तो मैंने भी इसमें भी शामिल है, इसके लिए महाराज मुझे क्षमा करें।
लेकिन जब बार बार मेरी बहन ने दबाव डाला कि नहीं जाओ जाओ जाओ, तो मैं दिसंबर में आया। जब मैं बैठा तो मैं खुद देख के दंगल दरबार में देखा कि दिव्य दरकार लोगों के बोलने से पहले उनके बारे में बता देते हैं, लिख देते हैं आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कार्य सिद्ध होगा और किस तरीके से। ज्यादातर लोगों का आशीर्वाद ही मिलता है कि हाँ पूर्ण रूप से, और होता भी है, ये हकीकत बात है। ऐसा ही नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ तो इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन हकीकत बात है जो आया यहाँ से खाली झोली लेकर नहीं गया है। जब मम्मी पता तो कहा साफ कर आना पड़ेगा तभी ये कार्य सिद्ध होगा। मम्मी को बहुत कठिनाई से उठाते हुए हम आगरा से यहाँ पंडोला थाम लेके आए एम्बुलेंस में। जब हम यहाँ लेकर आए तो उस शक्ति की वजह से हमारे इतनी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे कि मारपीट की नौबत आ गई। मन करता था कि यहाँ छोड़ के भाग जाओ, हर व्यक्ति के हमारे मेरी इनकी मन करता कब भागे यहाँ से, अपनी सगी माँ को छोड़ के ही भाग जाना चले जाए। क्या हुआ था आपकी माँ को? हमारी माँ को लगभग हुआ पैरालिसिस हुआ था सन 2014 में हुआ लगभग, माफ कीजिए बताना भूल गया। 2014 पहले लगभग हुआ तो उनका ये वाला घर चला गया और हाथ की टीड़ा हो गया। उसके उपरांत 2 साल वो ठीक रहे। 2016 की दीवार से ठीक एक दिन पहले उनको दोबारा लगवा आ गया। डॉक्टर डायग्नोस करता था कोई बीमारी नहीं है। हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित गुड़गांव में स्थित मिलानता अस्पताल में उनका इलाज चला। 24 लाख से अधिक का खर्चा हमारे ऊपर आया जो हमने वहां किया। ये शक्ति इतनी बुरी थी कि हम अपने घर को छोड़ के अपने बहनों के घर में रहने के लिए बाध्य हो गए। अपना घर बना हुआ जो हाईवे के पास है उसको छोड़ के हम अपने बहनों के 1.25 साल से रह रहे हैं, लेकिन शक्ति ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। आपको इस शक्ति के बारे में कब पता चला कि कोई शक्ति है जो आपकी माता जी पे लगी हुई है? जब प्रथम बार यहाँ पर आए तो महाराज ने बताया कि लकवा है, माता राशि का नाम लिख के पहले दिए, मेरे पूछने से पहले उन्होंने लिख दिया कि इनका नाम ये है लकवा है और यहाँ आना पड़ेगा, इनके साथ में बहुत बड़ी शक्ति है, वो अभी पूरे परिवार के ऊपर है। तो मैंने दोबारा दरबार में आया, मैंने फिर उन्होंने मैंने कहीं नहीं यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। तो फिर हमने अरेंजमेंट किया कि माँ को कैसे लेके आए कि दावा भिंड होते हुए धीरे धीरे लेकर आए। जब यहाँ पर लेकर आए भाई बहुत बिगड़ समस्या होने लगी, जिस घर में रुके थे घर हमारे घर रातों रात निकाल दिया, फिर दूसरी जगह कमरा लिया, फिर 3-4 दिन से गुरु की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अंततः आज हमारी शायद लिखा था हमारे ऊपर भगवान परमात्मा का आशीर्वाद था, पुण्य कर्म थे कि हमें गुरु जी से मुलाकात हुई। गुरु जी ने कहा कि तत्काल एक नारियल मंगाए आप लोगों से कि लीजिए, माँ का जो कपड़ा मानव रखा था सिस्टर से काम छोटी बहन से इनके ऊपर से कपड़ा पूछ लीजिए, और उन्होंने जो भी भगवान का आह्वान किया कि और तुरंत कहा था नारियल लेके जाइए माँ पुष्पावती नदी में विसर्जित कीजिए, और आगाह कर दिया कि हम ऐसे चारों में से किसी के साथ कोई घटना होगी और वो रिकॉर्ड की जाए। तो हम लोग लेके गए आशंकित से, तुरंत नंगे पांव में चल दिए। मेरी बहन ने कहा सर्वप्रथम मैं करूंगी, ठीक है। तो माँ का कपड़ा उन्होंने जैसे ही माँ पुष्पावति के चरणों में विसर्जित किया उनका नाम लिया, तो उस कपड़े से मैं ये ऐसी चीज है जो आपके लिए इसके लिए प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका प्रमाण भी उपलब्ध है। जो लोग शंका कर रहे हैं, रखते ही धुआं एकदम से उठा। मैं एक सामान रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा धुआं उठ रहा है मैं खुद पीछे हट गया कि ये हो क्या रहा है। धुआं नदी में से धुआं उठा था जी, पवित्र ठंडे जल में से एकदम से धुआं निकला, ऐसा लगा कि किसी ने आग सुलगा दी उसके नीचे और पूरा धुआं फैलने लगा। फैलने के उपरांत जैसे ही फिर उन्होंने जो गुरुदेव ने नारियल दिया था वो नारियल विसर्जित किया, पता नहीं उनके ऊपर क्या सवार आ गया, ये बहुत बुरी तरह रोने लगी, जो एक वीडियो में उपलब्ध है, इतनी बुरी तरह रोने लगी जैसे कि क्या होगा ये हमसे अलग है, और रोती हुई वहां से बहुत तेज रोती दहाड़े मारे। जो आपने कपड़ा नदी में डाला था जिससे धुआं निकला, वो कपड़ा आपकी माता जी का कपड़ा था क्या था? वो ज्यादातर माता जी के सिर पर उड़ाया जाता था, तो गुरु जी कहा था इसको पानी से धो कर उनके शरीर से पोंछ के ले आना। अच्छा, उनके शरीर से पोंछने के बाद आपने डाला था जी, उनके शरीर से पोंछ। फिर क्या हुआ था जब वहाँ पर डाला? तो उसमें जैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया और धुआं निकला तेजी से, और फिर वहीं पर पुष्पावती का पानी से पोंछा था। आपने जी, आपने अपने हाथों से डाला था नदी में? हाँ। नदी में से धुआं निकलते आपने देखा? हाँ, जैसे मैंने तुरंत रखा ही था, जैसे जैसे ऐसा लगा नदी में नहीं, मैंने जैसे किसी आपको कपड़ा रख दिया। आसपास लोग भी मौजूद होंगे आपके जब ये हुआ? आ रहे थे पास में, जैसे उन्होंने धुआं देखा वो पीछे भाग गया। मैं खुद पहली बार देख रही थी धुआं कैसे निकल रहा है नदी के अंदर से, फिर ऐसा लगा जैसे कुछ था मेरा सब कुछ चला गया, मैं रोने लगी बहुत तेज। तो मैं यहाँ पर आ गई गुरु जी के पास, और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत प्यासी थी, मुझे पानी चाहिए था, मैं बार बार पानी मांग रही थी। और उससे पहले मेरा मन ऐसा करता था कि कुछ गलत चीजों में करता था, या ऐसा लगता था कि मैं उनको सब कुछ छोड़ छाड़ साधु संत बन जाऊँ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँ, एकदम ऐसा लगता था। जैसे मैं कॉलेज में बैठी हुई अचानक से मेरा मूड खराब होता था तो ऐसा लगता बिल्डिंग से मैं छलांग मार दूँ, कोई वजह नहीं कुछ नहीं। कभी लगता था मैं सोते सोते जगती थी, रोने लगती थी, कुछ समझ में नहीं आता था क्या होता था। मैं बार बार ईश्वर से पूछती थी ऐसा क्यों होता है क्यों होता है। एक दो जगह में गई भी थी तो वो कुछ सटीक जवाब नहीं वही दे पाए। तो फिर मैंने गुरु जी के बारे में सुना था और हनुमान जी की कृपा से मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आ पाई।
जब मैंने उनके लिए घंटे वगैरह माने थे तभी मैं यहाँ पर आ पाई। उसके बावजूद नहीं, ऐसा नहीं, मैंने अपनी मम्मी के ऊपर जरूर देखी थी कई बार, वो इस तरह से आती थी, दिखती भी थी स्पष्ट। आप उस शक्ति को देखते थे, आपको दिखती थी वो शक्ति? दिखती थी, हाँ 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 कर देना, इस तरह से कर देना, हुंकार मारना, जैसे मैं सो रही हूँ बड़ी तेज हुंकार की आवाजें आती थी, मैं सोचती थी मैं और मम्मी है घर में और आवाजें कहाँ से आई, सोते में आवाजें आती थी हुंकार मारने की, जैसे मैं किसी छोटे मोटे भगत वगैरह पे गई थी, उन लोगों ने हुंकार मारती है आवाजें, कैसी थी हुंकार, कहाँ है, कोई भी नहीं है। उसी शक्ति ने आज आपको बस में किया था अपने, आप पे वही शक्ति आई थी क्या आज? हाँ, वही आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि 15 साल से मेरे अंदर जो सवाल चल रहे थे जी, इसके लिए मैं बहुत जगह गई हूँ, बहुत जगह गई जी, वो सारे सवालों का जवाब मुझे आज मिल गया, मैं आज संतुष्ट हूँ जो मेरे अंदर थे वो सब कुछ। भैया आप अपना नंबर बताएं, मोबाइल नंबर जी। मेरा नाम गौरव सिंह है, मोबाइल नंबर है 94 10 90 818 जी। मैं आगरा का निवासी हूँ, मेरा नाम गौरव सिंह है, मेरी बहन है सोनम गोहिल, ये मेरे भाई है रोहित कुमार, ये मेरे बहन है प्रियंका, हम लोग आगरा के निवासी है। लेकिन हमने ये अद्भुत चमत्कार दूसरों के साथ होते हुए देखा था, लेकिन पंडोकर धाम में आज हमें खुद हमें नहीं पता था कि ऐसा चमत्कार हमारे साथ भी होगा। और यकीन मानिए हम इस जन्म में नहीं, कई जन्म तो गुरु जी के ऋणी रहे हैं कि हमारी माता जी को अभेदान दे दिया और हम सभी को, क्योंकि हम लोग कहीं इधर भटकते थे कहीं उधर भटकते, लेकिन सटीक चीज कभी नहीं मिली। आज उस शक्ति की बिहावता देखकर हम खुद कांप गए, कई देर तक मेरी स्थिति हक कांप रही, ऐसी रही कि मेरे हक कांप रहे थे। तो मैं तो गुरुदेव के चरणों में अनुरक्त हूँ, बस खुद शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए, बस यही है कि पंडोकर धाम में रहने यही है नहीं पंडोकर धाम जरूर है जी। मेरा अभी खुद निवेदन है कि अगर वाकई ये देखना है कि इस पत्नी पर ईश्वर विद्वान है तो आप आइए एक बार पंडोकर धाम, खुद अनुभव करेंगे कि हाँ है, क्योंकि भगवान का रूप नहीं, स्वतः भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये एक चीज अनुभूति वाली, जैसे कि क्या पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, उसी पर हवा कैसे करी होती है, महसूस करने वाली बात है। आप आइए एक बार अनुभव करके देखिए कि है खुद समझता है। ये जो आपने देखा है अभी, जिस परिसर का आप मुझे जानना चाहते हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, ये बात सत्य है, परंतु हर किसी के साथ नहीं होती हैं। और जब घर के पितर या कोई बुरी दुष्ट आत्मा होती हैं तो घर में शुद्धि ना होने के कारण, अशुद्धि घर में हो जाती है तो वहाँ भूत प्रेत आत्मा भोजन करती हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। हम भी मानते हैं कि भूत प्रेत आत्मा होती है, क्योंकि 40 में आया कि भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जैन नाम सुना पे, विद्वानों ने भी कहा कि भूत प्रेत होते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि वो एक बहन आई और उसने उनके माता पिता परेशान, माँ परेशान थी, और उन्होंने अपनी माँ का एक दुपट्टे से, उनके अपने दुपट्टे से, घर के दुपट्टे से, उन्हें अपनी माँ के दुपट्टे से जो ओढ़े हुए थे एक बोतल के पानी से धोया और वो कपड़ा निचोड़ा, निचोड़ने के बाद उनको शरीर में पोंछा किया, पोंछ करने को नदी में जैसे डाला तो बता रहा है कि उसमें से एक विचित्र अनुभूति, एक ऐसा प्राकृत रूप का ऐसा कुछ दिखाई दिया, और वहीं पर बता रहे कि वो फैल करके धुआं समाप्त हो गया। उन्होंने तत्काल डालते ही, उसके बाद जब धुआं समाप्त हुआ तो उनके शरीर में से कोई आत्मा निकली, जब वो आत्मा निकली तो वो रोने लगी, उनको ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ चीज चली गई है, निकल गई है, खो गई है, और वो रोने लगी। रोते रोते यहाँ पर दौड़ते उड़ते आई और उसने मांगा कि पानी पानी पानी, अंगली ऐसे करके पानी चाहिए पानी चाहिए। मैंने कहा हनुमान जी से उड़कर कौन सा भूत प्रेत हो सकता है जो हम पानी दें। हमने हनुमान जी का नाम लिया, पंडोकर सका का जयकारा बोला और वो शांत हो गई और वो ठीक हो गई। ये सब हनुमान जी का चमत्कार है, ये हम नहीं कहते कि चमत्कार है, हम ये कहते हैं परमात्मा का चमत्कार है। और समय समय पर ऐसा होता रहता है, कई बार कई लोगों को सैकड़ों, जैसे हमारे लगभग 22 साल का अनुभव है, 22 साल में ऐसे कई लोग सामने आए जिनको पुष्पावती ने ऐसी तापसी हरी है। एक व्यक्ति को तो ओम नमः शिवाय की ध्वनि से आवाज उस जल नदी से उठी थी, जब मेरी आयु लगभग 15 साल थी तो उसमें से ओम नमः शिवाय की आवाज आई, और जब उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का उनको दर्शन हुआ। वो भैया की उम्र लगभग 44 साल थी, रहने वाले वो भोपाल क्षेत्र के थे, उनका मेंटेन डायरी होती है, डायरी में उस टाइम लिखा करते थे, वो डायरी में उनका नाम और पता एड्रेस लिखा है मुकेश गुप्ता जी के पास, और वो मौजूद में है और दिखवा लिया जाएगा यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो उनका नाम एड्रेस पूरा लिखा, जिसको भगवान श्याम श्री कृष्ण का दर्शन हुआ मुरली बजाते हुए वो जल में, और ओम नमः शिवाय की धुनी भी चल रही थी, राधे श्री कृष्ण की धुनी चल रही थी और उसमें मुरली की आवाज
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो माँ पुष्पावती गंगा में ऐसे कई सैंपल लोगों को देखने को मिले और लोगों ने अनुभूति किया और पुष्पावती को लोग आज भी मानते हैं। बोले पुष्पावती गंगा मैया की जय।